क्षमावाणी। दशलक्षण महापर्व के तत्काल बाद मनाया जाने वाला क्षमावाणी पर्व एक ऐसा महापर्व है जिसमें हम वैर भाव को छोड़कर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव धारण करते हैं। इसे क्षमापना भी कहा जाता है। मनोमालिन्य धो डालने में समर्थ यह महापर्व आज मात्र शिष्टाचार बनकर रह गया है। यह बात नहीं कि हम इसे उत्साह से ना मनाते हों, इससे उदास हो गए हों। आज न हम इससे उदास हुए हैं तथा मात्र उत्साह से ही नहीं, इसे अति उत्साह से मनाते हैं। इस अवसर पर सारे भारतवर्ष में लाखों रुपयों के बहुमूल्य कार्ड छपाए जाते हैं, उन्हें चित्रित सुंदर लिफाफों में रखकर हम इष्ट मित्रों को भेजते हैं, लोगों से गले लगकर मिलते हैं, क्षमा याचना भी करते हैं। पर यह सब यंत्रवत चलता है। हमारे चेहरे पर मुस्कान भी होती है पर बनावटी। हमारी असलियत ना मालूम कहां गायब हो गई है। विमान परिचारिकाओं की भांति हम भी नकली मुस्कुराने में ट्रेंड हो गए हैं। हम माफी मांगते हैं पर उनसे नहीं जिनसे मांगना चाहिए, जिनके प्रति हमने अपराध किए हैं, अनजाने में ही नहीं जानबूझकर, हमें पता भी है उनका। पर हम क्षमावाणी कार्ड भी भेजते हैं पर उन्हें नहीं जिन्हें भेजना चाहिए, चुन चुनकर उन्हें भेजते हैं जिनके प्रति ना तो हमने कोई अपराध किए हैं और ना जिन्होंने हमारे प्रति ही कोई अपराध किया है। आज क्षमा भी उन्हीं से मांगी जाती है जिनसे हमारे मित्रता के संबंध हैं, जिनके प्रति अपराध बोध भी हमें कभी नहीं हुआ है। बताएं जरा, वास्तविक शत्रुओं से कौन क्षमा मांगता है? उन्हें कौन कौन क्षमावाणी कार्ड डालते हैं? क्षमा करने कराने के वास्तविक अधिकारी तो वे ही हैं पर उन्हें कौन पूछता है? बड़े कहलाने वाले बहुधंधी लोगों की स्थिति तो और भी विचित्र हो गई है। उनके यहाँ एक लिस्ट तैयार रहती है जिसके अनुसार शादी के निमंत्रण कार्ड भेजे जाया करते हैं। उसी लिस्ट के अनुसार कर्मचारी गण क्षमावाणी कार्ड भी भेज दिया करते हैं। भेजने वाले को पता ही नहीं रहता कि हमने किस किस से क्षमा याचना की है। यही हाल उनका भी रहता है जिनके पास वे कार्ड पहुंचते हैं, उनके कर्मचारी प्राप्त कर लेते हैं। यदि कभी फुर्सत हुई तो वे भी एक निगाह डाल लेते हैं कि किन किन के क्षमावाणी कार्ड आए हैं, उनमें क्या लिखा है। यह पढ़ने का प्रयत्न वे भी नहीं करते, करें भी क्यों? क्या कार्ड डालने वाले को भी पता है कि उसमें क्या लिखा है? क्या उसने भी वह कार्ड पढ़ा है? लिखने की बात तो बहुत दूर। बाजार से बना बनाया ड्राफ्ट और छपा छपाया कार्ड लाया गया है, पते अवश्य लिखने पड़े हैं। यदि वे भी किसी प्रकार छपे छपाए मिल जाते होते तो उन्हें भी लिखने का कष्ट कौन करता? कदाचित यदि उसमें प्रेस की गलती से गालियां छप जावें तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता तो तब हो जब कोई उसे पढ़े, जब उसे कोई पढ़ने वाला ही नहीं, सब उसका कागज प्रिंटिंग गेटअप ही देखेंगे, फिर चिंता किस बात की? करे भी क्या, आज का आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि उसे कहां फुर्सत है यह सब करने की। स्वयं पत्र लिखे भी तो कितनों को, व्यवहार भी तो इतना बढ़ गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, बस सब कुछ यूं ही चल रहा है। क्षमा याचना जो एकदम व्यक्तिगत चीज थी आज बाजारू बन गई है। क्षमा याचना या क्षमा करना एक इतना महान कार्य है, इतना पवित्र धर्म है कि जो जीव का जीवन बदल सकता है। बदल क्या सकता है? सही रूप में क्षमा करने और क्षमा मांगने वाले का जीवन बदल जाता है। पर ना मालूम आज का यह दो पाया कैसा चिकना घड़ा हो गया है कि इस पर पानी ठहरता ही नहीं, इसकी कारी कामरी पर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। बड़े बड़े महापर्व आते हैं, बड़े बड़े महान संत आते हैं और यूं ही चले जाते हैं, उनका इस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह बराबर अपनी जगह जमा रहता है। इसने बीसों क्षमावाणी मना डाली फिर भी अभी 20-20 वर्ष पुरानी शत्रुता वैसी की वैसी कायम है, उसमें जरा भी तो हीनता नहीं आई है। धन्य है इसकी वीरता को, कहता है क्षमा वीरस्य भूषणम। अनेकों क्षमावाणियां बीत गईं पर इसकी वीरता नहीं बीती। अभी भी ताल ठोक कर तैयार है लड़ने के लिए, मरने के लिए। और तो और क्षमा मांगने के मुद्दे पर भी लड़ सकता है, क्षमा मांगते मांगते लड़ सकता है, क्षमा नहीं मांगने पर भी लड़ सकता है, बलात् क्षमा मांगने को बाध्य भी कर सकता है। इसमें न मालूम कैसा विचित्र सामर्थ्य पैदा हो गया है कि माफी मांगकर भी अकड़ा रह सकता है, माफ करके भी माफ नहीं कर सकता है। कभी कभी तो माफी भी अकड़कर मांगता है
और माफी मांग लेने का रौब भी दिखाता है। मेरे एक सहपाठी की विचित्र आदत थी, वह बड़ी अकड़ के साथ बड़े गौरव से माफी मांगा करता था और तत्काल फिर उसी मुद्दे पर अकड़ने लगता था। वह कहता, गलती की तो क्या हो गया, माफी भी तो मांग ली है, अब अकड़ता क्यों है। इस तरह बात करता कि जैसे उसने माफी मांगकर बहुत बड़ा एहसान किया है, उस एहसान का आपको एहसान मंद होना चाहिए। जिनसे झगड़ा हुआ हो, एक तो हम लोग उन लोगों से क्षमा याचना करते ही नहीं, कदाचित हमारे इष्ट मित्र सद्भाव बनाने के लिए उनसे क्षमा मांगने की प्रेरणा देते हैं, बाध्य करते हैं, तो हम अनेक शर्तें रख देते हैं, कहते हैं उससे भी तो पूछ लो कि वह भी क्षमा मांगने या क्षमा करने को तैयार है या नहीं। यदि वह भी तैयार हो जाता है तो फिर इस बात पर बात अटक जाती है कि पहले क्षमा कौन मांगे। इसका भी कोई रास्ता निकाल लिया जावे तो फिर क्षमा मांगने और करने की विधि पर झगड़ा होने लगता है, क्षमा लिखित मांगी जावे या मौखिक। यदि यह मसला भी किसी प्रकार हल कर लिया जावे तो फिर क्षमा मांगने की भाषा तय करना कोई आसान काम नहीं है। मांगने वाला इस भाषा में क्षमा मांगेगा कि मैंने कोई गलती तो की नहीं है, फिर भी आप लोग नहीं मानते हैं तो मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं, लेकिन कहकर कोई नई शर्त जोड़ देता है। इस पर क्षमादान करने वाला अकड़ जाएगा, कहेगा पहले अपराध स्वीकार करो, बाद में माफ करूंगा। इस प्रकार लोग कभी ना किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगेंगे और क्षमा करने वाला अस्वीकृत अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार ना होगा। यदि कदाचित भाषा के महापंडित मिलजुल कर कोई ऐसा ड्राफ्ट बना लावें कि जिससे सांप भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे, तो फिर इस बात पर झगड़ा हो सकता है कि क्षमा के आदान प्रदान का स्थान कौन सा हो। इन सब बातों को निपटा कर यदि क्षमा याचना या क्षमा प्रदान कार्यक्रम समारोह सानंद संपन्न भी हो जावे तो भी क्या भरोसा कि यह क्षमा भाव कब तक कायम रहेगा। कायम रहने का प्रश्न ही कहां उठता है जब हृदय में क्षमा भाव आया ही नहीं, सब कुछ कागज में या वाणी में ही रह गया है। इस प्रकार की क्षमा वाणी क्या निहाल करेंगी, यह भी एक विचार करने की बात है। क्षमा करना रटते लोग तो पग पग पर मिल जावेंगे, किंतु हृदय से वास्तविक क्षमा याचना करने वाले एवं क्षमा करने वालों के दर्शन आज दुर्लभ हो गए हैं। क्षमा वाणी का सही रूप तो यह होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों का उल्लेख करते हुए विनयपूर्वक आमने सामने या पत्र द्वारा शुद्ध हृदय से क्षमा याचना करें एवं पवित्र भाव से दूसरे को क्षमा करें, अर्थात क्षमा भाव धारण करें। आप सोच सकते हैं कि इस पावन अवसर पर मैं भी क्या बात ले बैठा, पर मैं जानता हूं कि क्या कभी आपने क्षमा वाणी के बाद, जबकि आपने अनेकों को क्षमा किया है, अनेकों से क्षमा मांगी है, आत्मनिरीक्षण किया है। यदि नहीं तो आप करके देखिए कि क्या आपके जीवन में भी कोई अंतर आया है या जैसा का तैसा ही चल रहा है। यदि जैसा का तैसा ही चल रहा है तो फिर मेरी बात की सत्यता पर एक बार गंभीरता से विचार कीजिए, उसे ऐसे ही बातों में ना उड़ा दीजिए। क्या मैं आशा करूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे? देंगे तो कुछ लाभ उठाएंगे, अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा तो चलता ही रहेगा, उसमें तो कुछ आना जाना है नहीं। क्षमा वाणी का वास्तविक भाव तो यह था कि पर्वराज पर्युषण में दश धर्मों की आराधना से हमारा हृदय क्षमा भाव से आकंठ आपूरित हो उठना चाहिए, और जिस प्रकार घड़ा जब आकंठ आपूरित हो जाता है तो फिर उबलने लगता है, छलकने लगता है, उसी प्रकार जब हमारा हृदय घट क्षमादि जल से आकंठ आपूरित हो उठे, तब वही क्षमा भाव वाणी में भी छलकने लगे, झलकने लगे, तभी वह वस्तुतः वाणी की क्षमा अर्थात क्षमा वाणी होगी। किंतु आज तो क्षमा मात्र हमारी वाणी में रह गई है, अंतर से उसका संबंध ही नहीं रहा है। हम क्षमा क्षमा वाणी से तो बोलते हैं, पर क्षमा भाव हमारे गले के नीचे नहीं उतरता। यही कारण है कि हमारी क्षमा याचना कृत्रिम हो गई है, उसमें वह वास्तविकता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए थी या वास्तविक क्षमाधारी के होती है। ऊपर ऊपर से हम बहुत मिठबोले हो गए हैं, हृदय में द्वेष भाव कायम रखकर हम छल से ऊपर ऊपर से क्षमा याचना करने लगे हैं। मायाचारी के क्रोध मान वैसे प्रकट नहीं होते जैसे कि सरल स्वभावी के हो जाते हैं। प्रकट होने पर उनका बहिष्कार परिष्कार संभव है, पर अप्रकट की कौन जाने। अतः क्षमाधारक को शांत और निरभिमानी होने के साथ सरल भी होना चाहिए।
कुटिल व्यक्ति क्रोध मान को छिपा तो सकता है, पर क्रोध मान का अभाव करना उसके वश की बात नहीं है। क्रोध मान को दबाना और बात है तथा हटाना और। क्रोध मानादि को हटाना क्षमा है, दबाना नहीं। यहां आप कह सकते हैं कि क्षमा तो क्रोध के अभाव का नाम है। क्षमा धारक को निरभिमानी भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए आदि शर्तें क्यों लगाते जाते हैं। यद्यपि क्षमा क्रोध के अभाव का नाम है, तथापि क्षमा वाणी का संबंध मात्र क्रोध के अभाव रूप क्षमा से ही नहीं, अपितु क्रोध मानादि विकारों के अभाव रूप क्षमा मार्दवादी दशों धर्मों की आराधना एवं उससे उत्पन्न निर्मलता से है। क्षमा मांगने में बाधक क्रोध कषाय नहीं, अपितु मान कषाय है। क्रोध कषाय क्षमा करने में बाधक हो सकती है, क्षमा मांगने में नहीं। जब हम कहते हैं खामेमि सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में मित्ति में सव्य भूवेशु वैरम मज्झमण केण वि, सब जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें, सब जीवों से मेरा मैत्री भाव है, किसी से भी बैर भाव नहीं है, तब हम मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ कहकर क्रोध के त्याग का संकल्प करते हैं या क्रोध के त्याग की भावना भाते हैं, तथा सब जीव मुझे क्षमा करें कहकर मान के त्याग का संकल्प करते हैं या मान के त्याग की भावना भाते हैं। इसी प्रकार सब जीवों से मित्रता रखने की भावना मायाचार के त्याग रूप सरलता प्राप्त करने की भावना है। इसलिए क्षमा वाणी को मात्र क्रोध के त्याग तक सीमित करना उचित नहीं। एक बात यह भी तो है कि इस दिन हम क्षमा करने के स्थान पर क्षमा मांगते अधिक हैं। भले ही उक्त छंद में मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ वाक्य पहले हो, पर सामान्य व्यवहार में हम यही कहते हैं क्षमा करना। यह कोई कहता दिखाई नहीं देता कि क्षमा किया। इसे क्षमा याचना दिवस के रूप में ही देखा जाता है, क्षमा करना दिवस के रूप में नहीं। क्षमा याचना मान कषाय के अभाव में होने वाली प्रवृत्ति है, अतः क्यों ना इसे मार्दववाणी कहा जाए, पर सभी इसे क्षमावाणी ही कहते हैं। एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि दशलक्षण महापर्व के बाद मनाया जाने वाला यह उत्सव प्रतिवर्ष क्षमादि दिवस के रूप में ही क्यों मनाया जाता है। एक वर्ष क्षमा दिवस, दूसरे वर्ष मार्दव दिवस, तीसरे वर्ष आर्जव दिवस आदि के रूप में क्यों नहीं? क्योंकि धर्म तो दशों ही एक समान है, क्षमा को ही इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? भाई, यह प्रश्न तो तब उठाया जा सकता है जबकि क्षमावाणी का अर्थ मात्र क्षमावाणी हो। क्षमावाणी का वास्तविक अर्थ तो क्षमादि वाणी है। क्षमा आदि दशों धर्मों की आराधना से आत्मा में उत्पन्न निर्भयता, कोमलता, सरलता, निर्लोभता, सत्यता, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मलीनता से उत्पन्न समग्र पवित्र भाव का वाणी में प्रकटीकरण ही वास्तविक क्षमावाणी है। जब तक भूमिकानुसार दशों धर्म हमारी परिणति में नहीं प्रकटेंगे, तब तक क्षमावाणी का वास्तविक लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। अब रह जाती है मात्र यह बात कि फिर इसका नाम अकेली क्षमा पर ही क्यों रखा गया है। सो इसका समाधान यह है कि क्या इतना बड़ा नाम रखने का प्रयोग सफल होता? क्या इतना बड़ा नाम सहज ही सबकी जबान पर चढ़ सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अतः जिस प्रकार अनेक भाइयों या भागीदारों का बराबर भाग रहने पर भी फर्म या कंपनी का नाम प्रथम भाई के नाम पर ही रख दिया जाता है, एक भाई का नाम रहने पर भी सबके स्वामित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता, उसी प्रकार क्षमा का नाम रहने पर क्षमावाणी में दशों धर्म समा जाते हैं। यहां एक प्रश्न यह भी संभव है कि जिसके नाम की दुकान होगी, सामान्य लोग तो यही समझेंगे कि दुकान उसी की है। यह बात ठीक है, स्थूल बुद्धि वालों को ऐसा भ्रम प्राय हो जाता है, पर समझदार लोग सब सही ही समझते हैं। इसी कारण तो क्षमावाणी को स्थूल बुद्धि वाले मात्र क्षमावाणी ही समझ लेते हैं, क्षमादि वाणी नहीं समझ पाते। पर जब समझदार लोग समझाते हैं तो सामान्य लोगों की भी समझ में आ जाता है, इसीलिए तो इतना स्पष्टीकरण किया जा रहा है। यदि इस भ्रम की संभावना नहीं होती तो इतने स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्यों रहती? दुनियादारी में तो आज का आदमी बहुत चतुर हो गया है। क्या देश में जितने भी मिल, दुकानें गांधी जी के नाम पर हैं, उन सबके मालिक गांधी जी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
और यह बात सब अच्छी तरह समझते भी हैं, पर ना मालूम आध्यात्मिक मामलों में इस प्रकार के भ्रमों में क्यों उलझ जाते हैं। वस्तुतः बात तो यह है कि आध्यात्मिक मामलों में कोई भी व्यक्ति दिमाग पर वजन ही नहीं डालना चाहता, गहराई से सोचता ही नहीं है तो समझ में कैसे आवे। यदि सामान्य व्यक्ति भी थोड़ा सा भी गहराई से विचार करे तो सब समझ में आ सकता है। दशलक्षण महापर्व के समान क्षमावाणी उत्सव भी वर्ष में 3 बार मनाया जाना चाहिए, पर जब दशलक्षण पर्व भी 3 बार नहीं मनाया जाता है तो फिर इसे कौन मनावे। अस्तु, जो भी हो, पर वर्ष में 1 बार तो हम बड़े उत्साह से मनाते ही हैं। इस कारण भी इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि मनोमालिन्य और बैर भाव धोने मिटाने का अवसर 1 बार ही प्राप्त होता है। वर्ष में 3 बार क्षमावाणी आने का भी कारण है, और वह यह कि अप्रत्याख्यान कषाय 6 माह से अधिक नहीं रहती। यदि अधिक रहे तो समझना चाहिए कि वह अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी कषाय अनंत संसार का कारण है। अतः यदि क्षमावाणी 6 माह के भीतर ही हो जावे और उसके निमित्त से हम 6 माह के भीतर ही क्रोध मानादि कषाय भावों को धो डालें तो बहुत अच्छा रहे। वैर भाव तो 1 दिन भी रखने की वस्तु नहीं है। प्रथम तो वैर भाव धारण ही नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित हो भी जावे तो उसे तत्काल मिटा देना चाहिए। इसके बाद भी यदि रह जाए तो फिर क्षमावाणी के दिन तो मन साफ हो ही जाना चाहिए। इसमें एक बात और भी विचारणीय है, वह यह कि इसे हमने मनुष्यों तक ही सीमित कर रखा है, जबकि आचार्यों ने इसे जीव मात्र तक विस्तार दिया है। वे यह नहीं लिखते खामेमी सव्वजैनी सव्वे जैनी खमंतु में, या खामेमी सव्व मनुजा सव्वे मनुजा खमंतु में, बल्कि यह लिखते हैं खामेमी सव्व जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु में। वे सब जैनियों या सर्व मनुष्यों मात्र से क्षमा मांगने या क्षमा करने की बात न करके सब जीवों को क्षमा करने और सब जीवों से क्षमा मांगने की बात करते हैं। इसी प्रकार वे मात्र जैनियों या मनुष्यों से मित्रता नहीं चाहते, किंतु प्राणी मात्र से मित्रता की कामना करते हैं। उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं, विशाल है। यहां एक प्रश्न संभव है कि जब कोई जीव हमसे क्षमा मांगे ही नहीं तो हम उसे कैसे क्षमा करें, तथा हम उससे क्या क्षमा मांगे जो हमारी बात समझ ही नहीं सकता। जो हमारी बात समझ ही नहीं सकता वह हमें क्या क्षमा करेगा, कैसे क्षमा करेगा। इस प्रकार एकेंद्रिय आदि जीवों से क्षमा मांगना और उन्हें क्षमा करना कैसे संभव है। क्षमा याचना या क्षमा करना 2 प्राणियों की सम्मिलित कंबाइंड क्रिया नहीं है, यह एकदम व्यक्तिगत चीज है, स्वाधीन इंडिपेंडेंट क्रिया है। क्षमावाणी एक धार्मिक परिणति है, आध्यात्मिक क्रिया है। उसमें पर के सहयोग एवं स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम क्षमा भाव धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि जब कोई हमसे क्षमा याचना करे तब ही हम क्षमा कर सकें, अर्थात क्षमा धारण कर सकें। अपराधी द्वारा क्षमा याचना नहीं किए जाने पर भी उसे क्षमा किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर क्षमा धारण करना भी पराधीन हो जाता। यदि किसी ने हमसे क्षमा याचना नहीं की तो उसने स्वयं की मान कषाय का त्याग नहीं किया, और यदि हमने उसके द्वारा क्षमा याचना किए बिना ही क्षमा कर दिया तो हमने अपने क्रोध भाव का त्याग कर उसका नहीं अपना ही भला किया है। इसी प्रकार हमारे द्वारा क्षमा याचना करने पर भी यदि कोई क्षमा नहीं करता है तो क्रोध का त्याग नहीं करने से उसका ही बुरा होगा। हमने तो क्षमा याचना द्वारा मान का त्याग कर अपने में मार्दव धर्म प्रकट कर ही लिया। उसके द्वारा क्षमा नहीं करने से, क्षमा मांगने से होने वाले लाभ से हम वंचित नहीं रह सकते। यही कारण है कि आचार्यों ने अन्य जीवों द्वारा क्षमा याचना की प्रतीक्षा किए बिना ही सब जीवों को अपनी ओर से क्षमा करके, तथा कोई क्षमा करेगा या नहीं इस विकल्प के बिना ही सबसे क्षमा याचना करके अपने अंतस्थल में उत्तम क्षमा मार्दवादी धर्मों को धारण कर लिया। कोई जीव हमसे क्षमा मांगे चाहे नहीं, हमें क्षमा करे चाहे नहीं, हम तो अपनी ओर से सबको क्षमा करते हैं और सबसे क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार हम तो अब किसी के शत्रु नहीं रहे, और ना हमारी दृष्टि में
कोई हमारा शत्रु रहा है। जगत हमें शत्रु मानो तो मानो, जानो तो जानो, हमें इससे क्या, और हमारा दूसरे की मान्यता पर अधिकार भी क्या है। हम तो अपनी मान्यता सुधार कर अपने में जाते हैं, जगत की जगत जाने। ऐसी वीतराग परिणति का नाम ही सच्चे अर्थों में क्षमावाणी है। क्षमावाणी का सही स्वरूप नहीं समझ पाने के कारण उसके प्रस्तुतीकरण में भी अनेक विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं। कुछ दिन पूर्व एक चित्र प्रतियोगिता हुई थी जिसमें क्षमावाणी को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना था। सर्वोत्तम चित्र के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त चित्र का जब प्रदर्शन किया गया तब चित्रकार के साथ साथ निर्णायकों की समझ पर भी तरस आए बिना ना रहा। क्षमा वीरस्य भूषणम के प्रतीक रूप में दिखाए गए चित्र में एक पौराणिक महापुरुष द्वारा एक अपराधी का वध चित्रित था। उसका जो स्पष्टीकरण किया जा रहा था उसका भाव कुछ इस प्रकार था। उक्त महापुरुष ने अपराधी के 100 अपराध क्षमा कर दिए, पर जब उसने 101वां अपराध किया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्षमा के चित्रण में हत्या के प्रदर्शन का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा जा रहा था, यदि वे 101वें अपराध के बाद भी उसको नहीं मारते तो फिर वे कायर समझे जाते। कायर की क्षमा क्षमा नहीं, क्योंकि क्षमा तो वीर का भूषण है। 100 अपराधों को क्षमा करने से तो क्षमा सिद्ध हुई और मार डालने से वीरता। इस प्रकार यह क्षमा वीरस्य भूषणम का सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण है। यही कारण है कि इन्हें क्षमावाणी के अवसर पर तदर्थ प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। क्षमा के साथ हिंसा की संगति ही नहीं, औचित्य सिद्ध करने वालों से मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं तो मात्र यह कहना चाहता हूं कि इस पौराणिक आख्यान को क्षमा का रूप देने वालों ने इस तथ्य की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया कि उनकी क्षमा क्रोधादि कषायों के अभाव रूप परिणति का परिणाम नहीं थी, वरन वे 100 अपराधों को क्षमा करने के लिए वचनबद्ध थे। उनकी वचन पालन की दृढ़ता और तत्संबंधी धैर्य तो प्रशंसनीय है, परंतु उसे उत्तम क्षमा का प्रतीक कैसे माना जा सकता है। दूसरी बात यह भी तो है कि क्या सच्चे क्षमाधारक की दृष्टि में कोई दूसरा भी अपराध हो सकता है? जब उसने प्रथम अपराध क्षमा ही कर दिया तब अगला अपराध दूसरा कैसे कहा जा सकता है? यदि उसे दूसरा कहें तो पहले को वह भूला कहां? जब प्रथम अपराध को क्षमा करने के बाद भी उसे भूल नहीं पाया तो फिर क्षमा ही क्या किया? वस्तुतः बात यह है कि हमारी परिणति तो क्रोधादि में हो रही है और शास्त्रों में क्षमादि को अच्छा कहा है। अतः हम शास्त्रानुसार अच्छा बनने के लिए नहीं, वरन अच्छा दिखने के लिए क्रोध के ही किसी रूप को क्षमा का नाम देकर क्षमाधारी बनना चाहते हैं। क्षमा भाव का सर्वोत्कृष्ट चित्रण तो अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारण असि प्रहारण मैं सदा समता धरण। ऐसी स्थिति को प्राप्त समताधारी मुनिराज का चित्रण ही हो सकता है। क्षमा कायरता नहीं, क्षमा धारण करना कायरों का काम भी नहीं, पर वीरता भी तो मात्र दूसरों को मारने का नाम नहीं है, दूसरों को जीतने का नाम भी नहीं। अपनी वासनाओं को कषायों को मारना विकारों को जीतना ही वास्तविक वीरता है। युद्ध के मैदान में दूसरों को जीतने वाले मारने वाले युद्धवीर हो सकते हैं, धर्मवीर नहीं। धर्मवीर ही क्षमाधारक हो सकता है, युद्धवीर नहीं। वीरता के क्षेत्र को भी हमने संकुचित कर दिया है। अब वीरता हमें युद्धों में ही दिखाई देती है, शांति के क्षेत्र में भी वीरता प्रस्फुटित हो सकती है, यह हमारी समझ में ही नहीं आता। यही कारण है कि हमें क्षमा वीरस्य भूषणम को स्पष्ट करने के लिए हत्या दिखाना आवश्यक लगता है। हत्या दिखाए बिना वीरता का प्रस्तुतीकरण हमें संभव ही नहीं लगता। जिस महापुरुष की लेखनी से यह महाकाव्य प्रस्फुटित हुआ होगा उसने सोचा भी ना होगा कि इसकी ऐसी भी व्याख्या की जाएगी। एक हत्या भी क्षमा का एवं वीरता का प्रतीक बन जाएगी। एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिन दश धर्मों की आराधना के बाद यह क्षमावाणी महापर्व आता है उनकी चर्चा आचार्य उमा स्वामी ने मुनि धर्म के प्रसंग में की है। दश धर्मों की आराधना का समग्र प्रतिफलन जिस क्षमावाणी में प्रस्फुटित होता है वह क्षमावाणी कैसी होती होगी या होनी चाहिए, यह
गंभीरता से विचारने की वस्तु है। उसे मुनिराज पार्श्वनाथ की उस उपसर्गावस्था में भली भांति देखा जा सकता है जिसमें कमट का उपसर्ग और धर्मेंद्र द्वारा उपसर्ग निवारण किया जा रहा था और पार्श्वनाथ का दोनों के प्रति संभाव था। कहा भी है, कमठे धर्मेंद्रे चा स्वोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथा जिनोस्तुना। अथवा उन मुनिराजों के रूप में चित्रित की जा सकती है जो कि गले में मरा सांप डालने वाले राजा श्रेणिक और उस उपसर्ग को दूर करने वाली रानी चेलना को एक सा आशीर्वाद देते हैं। क्षमा के वास्तविक पौराणिक रूप तो ये हैं। क्या पार्श्वनाथ की वीरता में शंका की जा सकती है? नहीं, कदापि नहीं। इसी प्रकार वे मुनिराज भी क्या कम धीर वीर थे जो उपसर्ग विजयी रहे? उपसर्गों में भी समता धारण किए रहना क्या कायरों का काम है? क्षमा कायरों का धर्म ना कहा जाने लगे इस भय से कहीं ऐसा ना हो जावे कि हम उसे क्षमा ही ना रहने दें। जिस अपराध के लिए क्षमा याचना की गई है यदि वही अपराध हम निरंतर दोहराते रहे तो फिर उस क्षमा याचना से भी क्या लाभ? जिस अपराध के लिए हम क्षमा याचना कर रहे हैं वह अपराध हमसे दोबारा ना हो इसके लिए यदि हम प्रतिज्ञाबद्ध ना भी हो सकें तो संकल्पशील या कम से कम प्रयत्नशील तो होना ही चाहिए, अन्यथा यह सब गज स्नानवत निष्फल ही रहेगा। क्षमा याचना और क्षमादान ये दोनों ही वृत्तियां हृदय को हल्का करने वाली उदात्त वृत्तियां हैं। वैर भाव को मिटाकर परम शांति प्रदान करने वाली हैं। प्रदान करने वाली भी क्या, अंतर में प्रकट शांति का प्रतिफलन ही है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस अज्ञानी आत्मा ने दूसरों से तो अनेकों बार क्षमा याचना की है, दूसरों को ही अनेकों बार क्षमा प्रदान भी की है, पर आज तक स्वयं से ना तो क्षमा याचना ही की है और ना स्वयं को क्षमा ही किया है, इसलिए अनंत दुखी भी है। यहां आप कह सकते हैं कि स्वयं से क्या क्षमा मांगना और स्वयं को क्षमा करना भी क्या, पर भाई साहब आप यह क्यों भूल जाते हैं कि क्या आपने अपने प्रति कम अपराध किए हैं, कम अन्याय किए हैं? क्या अपने प्रति आपने कुछ कम क्रोध किया है? क्या आपने अपना कुछ कम अपमान किया है? इस तीन लोक के नाथ को विषयों का गुलाम और दर दर का भिखारी नहीं बना दिया है? इसे अनंत दुख नहीं दिए हैं? क्या इसकी आपने आज तक सुध भी ली है? ये हैं वे कुछ महान अपराध जो आपने अपनी आत्मा के प्रति किए हैं और जिनकी सजा आप स्वयं अनंत काल से भोग रहे हैं। जब तक आप स्वयं अपने आत्मा की सुदबुद्ध नहीं लेंगे, उसे नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, उसमें ही नहीं जम जाएंगे, नहीं रम जाएंगे, तब तक इन अपराधों के फल आकुलता और अशांति से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। निजात्मा के प्रति अरुचि ही उसके प्रति अनंत क्रोध है। जिसके प्रति हमारे हृदय में अरुचि होती है उसकी उपेक्षा हमसे सहज ही होती रहती है। अपनी आत्मा को क्षमा करने और उससे क्षमा मांगने का मात्र आशय यही है कि हम उसे जाने, पहचाने और उसी में रम जाएं। स्वयं को क्षमा करने और स्वयं से क्षमा मांगने के लिए वाणी की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। निश्चय क्षमा वाणी तो स्वयं के प्रति सजग हो जाना ही है, उसमें पर की अपेक्षा नहीं रहती, तथा आत्मा के आश्रय से क्रोधादि कषायों के उपशांत हो जाने से व्यवहार क्षमा वाणी भी सहज ही प्रस्फुटित होती है। अतः दूसरों से क्षमा याचना करने एवं क्षमा करने के साथ साथ हम स्वयं को भी क्षमा कर स्वयं में ही जम जाएं, रम जाएं और अनंत शक्ति के सागर निज शुद्धात्म तत्व में निमग्न हो अनंत काल तक अनंत आनंद में मग्न रहें। इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूँ।